आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? क्षमा चाहते हैं, राइट? मैं थोड़ा लेट हो गया एज यूजुअल। कोई टाइम नहीं होता है भाई साहब डॉक्टरों का। लेकिन कम्युनिटी सेक्शन में हम क्या करा करेंगे, अगली बार से थोड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं करता भी था पहले, पर क्या है कि लाइव में बहुत सारा लोग आते नहीं, तो मैं लगता नहीं करें कि ना करें। बट एनीवेज, आज का टॉपिक भी हमने आपका कल जो हमने पूछा था, आज सुबह हमने आपसे पूछा था कम्युनिटी सेक्शन में कि भाई सजेस्ट करो क्या लाइव करें। तो एक जो चीज़ हमें अच्छी लगी, किसी ने कहा हेल्दी समर फूड बताओ, किसी ने कहा भाई घी कितना खा सकते हैं समर में, किसी ने कहा अंडे कितने खा सकते हैं समर में, अब धूप आ गई है, कई लोग इस बारे में पूछ रहे हैं। तो समर डाइट या ऐसी समर में खाने पीने में क्या बदलाव ज़रूरी है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए क्या हम अंडे खा सकते हैं तो कितने खा सकते हैं, क्या चेंज है शरीर में, वो सब आज बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे, ऑब्वियसली लाइव सवाल लेंगे, और जो लोग अपने सवाल बिल्कुल ज़रूरी पूछना चाहते हैं वो पे करके अपना सुपर चैट में सवाल पूछ सकते हैं, 10 रुपये से लेकर 10,000 तक, जो आपकी श्रद्धा आप पे कर सकते हो, ठीक है। सो बातचीत शुरू करते हैं हम आज की। उससे पहले देख लेते हैं आज का कुछ हमारा आया है। ओके, एग एंड घी ऑल राइट। पहला क्या है, अतुल मिश्रा, ठीक है। सो देखो दोस्तों, बेसिक ये है, समर में और विंटर में आपकी शरीर में क्या बदला? कुछ नहीं, आपका शरीर वही है। बदला है एनवायरमेंट में क्या बदला? एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जो ठंड में टेम्परेचर आपका 10-5, कभी किसी जगह माइनस में चला जाता है, और अब टेम्परेचर जो है कई शहरों में 40 डिग्री 50 डिग्री धूप में जाता है, कई बार हमेशा हायर साइड में रहता है। तो अगर आप सोचो, पहले देखो, हर चीज़ का एक बेसिक है, हर चीज़ की एक नॉलेज वाइज, हर चीज़ में ऐसा नहीं होता कि अरे ये वाली चीज़ खा सकते हैं वो वाली नहीं खा, हर एक का एक बेस लाइन बेसिक फंडा है, वो फंडा समझा रहे हैं आपको, ठीक है। फंडा क्या है कि समर में आपकी एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी को ठंडा करने की ज़रूरत है, ठीक है। बॉडी को क्या करने की ज़रूरत है? ठंडा करने की ज़रूरत है, और ठंड में आपकी बॉडी को गर्म करने की ज़रूरत है। तो बॉडी के अंदर गर्म करने और टेम्परेचर के साथ बैलेंस करने के जो मैकेनिज्म है वो क्या है? नंबर वन मैकेनिज्म है एनर्जी जनरेशन। जब एनर्जी जनरेट होती है, फूड बर्न होता है, तो एनर्जी यानी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। और बॉडी ठंडी करने के लिए जो प्रोसीजर है वो है पसीना। जब पसीना आता है तो पानी निकलता है, स्किन ठंडा करता है, बॉडी ठंडी होती है। और पानी निकलेगा, पसीना आएगा, तो पानी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तो प्यास लगेगी। तो बड़ी लॉजिकल सी और सिंपल सी बात है कि ठंड के कंपैरिजन में गर्मी में पानी की मात्रा की ज़रूरत बढ़ जाएगी। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, नहीं भी करते हो एक्सरसाइज, बैठे भी हो, सेडेंटरी लाइफ भी हो, तो हर घंटे मानोगे आपकी स्वेट से, आप जो सांस ले रहे हो ब्रीदिंग भर से भी पानी यूज होता है आपके शरीर का। ब्रीदिंग से सेल, हर एक सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें भी पानी का इस्तेमाल होता है। स्वेटिंग से लेके वहां तक 0.3 यानी 300 ml पानी हर घंटा आपके शरीर में यूज हो रहा है, हर घंटा इस्तेमाल हो रहा है 300 ml पानी। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे और अगर आप दौड़ेंगे भागेंगे, तो अच्छी खासी दौड़ भाग वाली एक्सरसाइज करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, फील्डिंग करते हुए, या फुटबॉल खेलते हुए, ऐसे कोई गेम्स खेलते हुए, आप हर घंटा 1 से 2 कभी कभी 3 लीटर हर घंटा 1, 2 या 3 लीटर पसीना यानी पानी लूज कर सकते हैं। तो पानी इतना आवश्यक है समर में जितना पूछो मत। बड़े बड़ों को प्यास लगती है, जब प्यास लगती है तब आप डिहाइड्रेट हो चुके, तब आपके शरीर में डिहाइड्रेशन आ चुका। अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हो तो मसल पेन, मसल स्पाजम, सर में दर्द, स्ट्रेस, चिंता, परेशानी, या आपके खुद के ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहना, ऐसी सारी दिक्कतें आएंगी डिहाइड्रेशन से। तो प्यास लगने मत दो, ये सबसे बड़ा रूल है, मतलब आज के डेट का। अगर इस वीडियो का, घी अंडे तो आएंगे, लेकिन जो बॉटम लाइन है, प्यास खुद को लगने मत दो। इतने फ्रीक्वेंटली उतना पानी पियो, चाहे आपको उतने हर 25 मिनट में पानी पीना पड़ रहा है, हर एक घंटे में पानी पीना पड़ रहा है, सिप सिप करके, या एक एक गिलास करके, एक बोतल करके, मायने नहीं रखता, ठीक है। तो पानी पीना सबसे ज़रूरी है। कई वीडियोस में ऑनलाइन मैंने ये भी देखा, लोग कहते हैं कि पानी को सलाइवा के साथ मिला मिला के पीना चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल भी
लॉजिकल नहीं है। पानी डाइजेस्ट नहीं होता, पानी डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, यह बात याद रखिए। पानी एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट, डाइजेशन का मतलब है टूटना, पानी में और टूटने के लिए कुछ नहीं है। तो पानी को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी अमाइलेज की आवश्यकता नहीं है। पानी जैसी अंदर जाएगा अपने आप डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब होगा। डाइजेशन मतलब टूटना, एब्जॉर्प्शन अलग चीज है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक। तो पानी होगी बात, पानी कितना पीना चाहिए, हमने वीडियो में कई बार बताया, 3.7 लीटर्स आदमी के लिए, 3 लीटर्स फीमेल्स के लिए, 3.8 लीटर अगर फीमेल लैक्टेट कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, 3.5 अगर प्रेग्नेंट है, ये मिनिमम है। 4 लीटर लो, 5 लीटर लो, लिक्विड पूरा मिला के जिसको पानी पिया नहीं जाता, दूध दही पनीर, दूध पनीर नहीं, लस्सी ले लो, जूस ले लो, जो मर्जी ले लो, पानी हो गया। अब बात आती है दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है प्रोटीन्स। आपके शरीर में एनर्जी कौन जनरेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम आपका 4 कैलोरीज देता है, प्रोटीन 1 ग्राम 4 कैलोरीज देता है, फैट 1 ग्राम 9 कैलोरीज देता है। तो एनर्जी डेंस कौन सा है, फैट। तो अगर आप फैट ज्यादा खाओगे, फैटी फूड ज्यादा खाओगे या कार्बोहाइड्रेट फूड ज्यादा खाओगे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेशन ज्यादा होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। या प्रोटीन रिच फूड खाओगे तो भी एनर्जी जनरेशन ज्यादा होगा, है कि नहीं। सो यहां पर क्या होगा, गर्मियों में आपको एक साथ बहुत ज्यादा फूड नहीं खाना है, ठीक है। एक साथ अगर बहुत ज्यादा तला हुआ या घी, बटर, मक्खन, मलाई आपने खा लिया तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा कि बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आप जल्दी डिहाइड्रेट हो जाओगे, आपको प्यास। इसलिए तला हुआ, इसीलिए कई लोग सोचो कि तला हुआ खाने के बाद प्यास क्यों लगती है, ये रीजन है, क्योंकि आपकी बॉडी इतना एनर्जी जनरेट करती है कि आप डिहाइड्रेट होने लगते हो, समझ रहे हैं। सो ये सब सिर्फ बेसिक्स हैं दुनिया भर के। सो आप अंडे भी खा सकते हो, एग येलो भी खा सकते हो, एग वाइट भी खा सकते हो, घी भी खा सकते हो, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो समर में नहीं खानी चाहिए। बस यहां बात आ रही है पोर्शन की, यह बात आ रही है क्वांटिटी की। ठंड में जहां आप एक साथ ज्यादा भी खा लोगे तो बॉडी हीट जनरेट ज्यादा करेगी, चल जाएगा। इसलिए ठंड में खाना खाया जाता है, जबरदस्त डाइट बढ़ जाती है और भूख नहीं। गर्मी में पार्टियों में, शादियों में जाके खाना नहीं खाया जाता, इसीलिए नहीं खाया जाता कि शरीर भी आपको ऐसे सिग्नल देता है कि बस भैया ज्यादा खाओगे और गर्मी मरना है तुमको, ये कॉन्सेप्ट। सो अंडे खा सकते हैं, जी हाँ खा सकते हैं, प्रोटीन खाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक अंडे में जितना प्रोटीन है 5-6 ग्राम, उतना ही प्रोटीन एक कटोरी दाल में भी हो सकता है, डिपेंड करता है दाल का कितना है, मतलब 100 ग्राम दाल में 10 से 15 ग्राम होता है। तो अंडे भी 100 ग्राम लोगे या दाल 100 ग्राम लोगे, शरीर को कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है फैट से, जो एग योक है, एग येलो है उसमें फैट ज़्यादा होता है। तो एग येलो दिन में 2 खाएं, उतने बहुत हैं गर्मी के मौसम में, पर ज़्यादा खाने वाले खा भी सकते हैं अगर वो पानी ज़्यादा लेते हैं, ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रहते। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। कई लोग जो धूप में घूमते हैं, धूप में एक्सरसाइज करते हैं, धूप में काम करते हैं, उनको पानी ज़्यादा चाहिए, वो एक साथ तला हुआ या एक साथ फैटी फूड लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। प्रॉब्लम क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगा, चमड़ी खराब होगी, चमड़ी में डिहाइड्रेटेड चमड़ी में स्किन के दागे आने लगेंगे, स्किन के प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, धूप से रिएक्शंस होने लगे, खुजली आने लगेगी, फंगल इन्फेक्शन होगा, है ना। तो प्रॉब्लम आती है, फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि जहां डिहाइड्रेटेड है वहां पसीना भी निकल रहा है, पसीनों में वहां पर बड़ी आसानी से इन्फेक्शन हो जाएगा। सो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो शरीर को हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ रही है बात। अंडे खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घी भी खा सकते हो, कितना, 1 चम्मच, 1 चम्मच घी, बहुत अच्छी बात है। देखिए घी बहुत बढ़िया चीज है, एनर्जी भरपूर है, सैचुरेटेड फैट्स है, और फैट के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिंस भी है, और घी के अंदर कई ऐसी चीजें भी है जो आपके शरीर के लिए अच्छी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है घी में वो है सैचुरेटेड फैट, भर भर के, यानी एनर्जी भर भर के है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, छोटे बच्चे, ग्रोइंग बच्चे जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। वो भी एक साथ ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। समर में दिन में 6 बार खाना खाएं, 8 बार खाना खाएं, कोई बात नहीं, 5 बार खाएं, राइट, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, एक साथ ना खाएं। एक साथ खाएंगे तो बॉडी गर्म ज्यादा होगी, दिक्कत होगी, समझे बात। यह है बात घी की, यह है बात अंडे की, और कोई चीज, प्रोटीन शेक ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगेन ये चीज आपको समझनी है कि जिस समय घी लिया उसी समय प्रोटीन, उसी समय शेक, उसी समय ये सब लेंगे तो प्रॉब्लम है। तो डिवाइड योर फूड, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, और डिवाइड योर एनर्जीज, एक टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी एक साथ ना लें, एक साथ कैलोरीज ना लें,
और पानी हाइड्रेट होते रहे। ये हुई बात समर डाइट की। जी हाँ, इससे ऊपर कुछ नहीं है, समर में कुछ नहीं है, पर क्या नहीं खाना वो जरूर बताता हूं। समर में एक चीज से बचे, जो मैंने बताया भी था, आपकी ड्रिंक्स। आप ड्रिंक्स जो है, नॉट जस्ट अल्कोहल, अल्कोहल तो है ही, अल्कोहल लेंगे तो बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी समर में। लेकिन दूसरी चीज जो प्रॉब्लम करती है समर में, वो है जो रू अफजा और गन्ने का जूस और बाहर शिकंजी नींबू पानी, ऐसे मीठे चीजें। उसमें पानी से, नींबू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीठे से प्रॉब्लम है, शुगर से प्रॉब्लम है, जो आपकी कैलोरीज बढ़ा देते हैं। आपने रू अफजा भी पिया, उसके बाद खाना भी खाया, उसके बाद जय घी भी ले लिया एक चम्मच, तो सोचो कोआ सब मिलके कितना सारी कैलोरीज हो जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम है कि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि उनको या तो हम थोड़ा थोड़ा रुक के लें, या तो अपनी पूरे दिन की कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज को एवरेज वाइज कैलकुलेट करें। उसके लिए आप साइंस ऑफ न्यूट्रिशन का वीडियो देख सकते हो हमारा, वो जो फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल में है, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन। बहुत जोरदार चैनल, बहुत जोरदार उसमें वीडियो है, आप पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री देखिए। तो इतना हो गया, अब आप बात कर सकते हो नीचे, जिन जिन को मैं पहले फटाफट सवालों के जवाब देता हूं, और नीचे आप सवाल रेडी रखो, जब मैं बोलूंगा तब डालिएगा। और सवाल क्या डालना है कि समर में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, किसी एक फूड प्रोडक्ट, खाने पीने की चीज के बारे में कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं नीचे। ठीक है, फटाफट हम रैपिड फायर चालू करते हैं। आपको ऑनलाइन कैसे कॉन्टैक्ट करें, आई एम फ्रॉम कैनेडा, एक नंबर दिया गया है 7827570775, इस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जवाब मिल जाएगा। राइट, हेलो सर, आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू सर। यार कुछ भी करो पर ये शक्ल ऐसे मत बनाया करो। क्या शक्ल, ये क्या बोल दिया पेंगुइन जी, कौन सी शक्ल पसंद नहीं है आपको, हमारी शक्ल पसंद थी, अच्छी खासी शक्ल है भाई, कोई बुराई नहीं है इसमें, क्या प्रॉब्लम है शक्ल में बताओ। एनीवेज सर, कोलोस्ट्रम के बारे में कुछ बताओ जी प्लीज। देखो कोलोस्ट्रम जो होता है, ये माता के मदर के, जो चाहे गाय की माँ हो, गौ माता हो, चाहे हम हो, उनके जो इनिशियल मिल्क होता है, गाढ़ा सा खून होता है, उसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है। उसको दिया, उसमें थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि बच्चे में जो होता है, जो नया नया जीव जात पाया, उसमें इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, उसकी इम्यूनिटी मिलती है उसको ब्रेस्ट मिल्क से, कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा मिलती है, वो फैट ज़्यादा होता है उसमें, एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें, ये ज़्यादा होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो लोग मोटे हैं, जिनमें इम्यूनिटी कम है, वो ले सकते हैं, है ना, जो लोग वो लेने के उनको, जो लोग पतले हैं, सॉरी मोटे बोल रहा हूँ, जो पतले हैं उनको मोटे होना है, वो ले सकते हैं। और कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ नहीं है कि जितने चमत्कारी बोल बोल के उसको बेचा जा रहा है। एक कोलेस्ट्रॉल वाले भाई साहब हमारे पास भी आए थे कि सर कोलेस्ट्रॉल का प्रमोशन कर दो, मैंने कहा भैया मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, जो है सच्चाई वो सच्चाई बोलूंगा, और बोलो बस इतना ही बोल सकते हो और क्या। मैंने कहा मुझे रिसर्च प्रूफ दिखा दो कि कोलेस्ट्रॉल किसी बीमारी का इलाज है, मैं रिसर्च प्रूफ बता दूंगा, पर ऐसा कोई प्रूफ है नहीं। वो क्या आप ढूंढ लो, मैं क्या हम ढूंढते बैठेंगे, हो गया फिर, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वरना बोलने वाले, देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो दवा में नहीं आती, जो फूड सप्लीमेंट में आती है, जो विटामिन में आती है, उनके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई एक्चुअल रूल, उनको ना तो ये प्रूव करना होता है कि ये काम करता है, काम करता है कि नहीं करता, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहीं भी डाल के बोल दो कि ये विटामिन है, ये सप्लीमेंट है, ले लो फ्री, फ्री मतलब विदाउट एनी रूल रेगुलेशन, विदाउट एनी लॉ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, काम करता नहीं करता है, प्रूव करने की जरूरत नहीं, उसने लिख दिया ये बढ़ाता है, वो बढ़ाता है, वो बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, मानना पड़ेगा आपको, जब तक कोई प्रूव ना करे कि नहीं बढ़ाता। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसमें साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसको वो भी प्रूव करने की जरूरत नहीं कि इससे साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी बना के कुछ भी भेज दो, ये पूरी इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा है, क्योंकि FDA के अंदर, फूड ड्रग एसोसिएशन के अंदर ये नहीं आते, तो जब आने लगेंगे ना तब सब सबकी पुंगी बजेगी, इसीलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, तो किसी भी खतरनाक एडवर्टाइजमेंट पे अपना दिमाग लगाया करो, ऐसी कुछ चीज़ सच्चाई नहीं होती। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस ट्रीटमेंट और सजेशन, इसके लिए मेरा वीडियो है ऑलरेडी, कोल्ड वाला वीडियो देखो आप, कोल्ड वाला, कोल्ड बाय डॉक्टर एजुकेशन, कफ बाय डॉक्टर एजुकेशन, दोनों को मिला के फॉलो करो। थैंक यू अभिषेक जी। दैनिक फार्मा की, अच्छा ये ऐसे दवाओं के बारे में हम ऐसे अभी नहीं बना रहे हैं, क्षमा करिए। आर्जिनिन फॉर ब्लड प्रेशर, नो नेवर, डोंट टेक दैट, बकवास चीजें, बकवास तरीके से कुछ भी इलाज मत निकालो, आर्जिनिन फॉर ब्लड प्रेशर ऐसी चीजें मत लिया करो। सर आई एम टेकिंग 10 होल एग डेज, अरे बाप रे, आई डू हैवी वर्कआउट कार्डियो एवरी डे, प्लीज सजेस्ट। देखिए अगर आप 10 होल एग ले रहे हैं, बॉडी को आदत है, तो आपकी बॉडी को आदत है इतनी सारा हीट जनरेट करने की, तो आपको आदत होगी पानी भी अच्छी मात्रा में पीने की। अगर आप पानी नहीं पीते हो तो भैया पछताओगे, पानी अच्छी मात्रा में नहीं पी रहे हो तो खतरे की घंटी आपकी आज नहीं तो कल प्रॉब्लम करेगी। तो कृपया 5 4 5 लीटर अच्छा पानी पिया करो।
गॉलस्टोन 6 mm सर्जरी नीड और नॉट, पेन है तो सर्जरी, नहीं है तो नहीं सर्जरी, ठीक है। इसके बारे में गॉल ब्लैडर की पूरी सीरीज से जाके देखो नीचे, पेन बाद में भी हो सकता है लेकिन अभी फिलहाल उसको मेडिकल मैनेजमेंट करिए। पेट खराब है तो समर में ज्यादा क्या खाए, दही। समर में एक चीज जो दबा के खाइए वो है दूध, दूध तो नहीं, दही, लस्सी और छाछ दबा के लो। जी हाँ, बस एक चीज है कि उसमें आप जो दूध यूज करेंगे उसको बनाने के लिए वो टोन्ड हो या डबल टोन्ड हो, पतले ज्यादा होना है तो डबल टोन्ड और मेंटेन रखना है तो टोन्ड, फुल क्रीम का मतलब वरना मोटे हो जाओगे। सेफ प्रोटीन इंटेक फॉर नेफ्रो हाइड्रो नेफ्रोटिक किडनीज प्लीज। सी हाइड्रो नेफ्रोटिक किडनीज को मिनिमम प्रोटीन्स लेना चाहिए जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आप 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको जो भी प्रोटीन लेना है ट्राई करना है कंप्लीट प्रोटीन। कौन याद किया सॉरी। अगर आप इनकम्प्लीट प्रोटीन जैसे BCAAs लेंगे, BCAAs इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जी हाँ, वो तीन ही है अमीनो एसिड है, वो ज्यादा होंगे अकेले होंगे तो बाकी 9 के कमी में वो आपकी बॉडी में नहीं मेटाबोलाइज होंगे और किडनी में डैमेज कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरी जगह से मसल डैमेज करवाएंगे, तो इट्स नॉट गुड। बस इतना है। कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में समझने के लिए आप जाके हमारा इनकम्प्लीट प्रोटीन वाला वीडियो देखो जो हमारे फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल में, क्या हो गया यार, ठीक आने वाली एक और आने वाली है। सर मुझे हार्ट पेन होता है, मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं और ठीक है, बट समर में ये ज्यादा ही होता है। प्लीज प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपकी डिहाइड्रेशन है भाई साहब। जो समर में ज्यादा होता है तो फिर कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपकी शरीर डिहाइड्रेट हो रहा है, मसल स्पाजम में चले जा रही है, आपको हार्ट का पेन नहीं हो रहा है, आपको मसल पेन हो रहा है। राघू जी आप ECG इको TMT अगर नॉर्मल है तो ये मस्कुलर पेन है। पानी पीना शुरू करिए, एक्सरसाइज करिए, मसाज कराइए, रिलैक्स करिए, मसल रिलैक्शन 2-3 दिन के लिए किसी जगह से जाके मेडिक्स दवा से ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे भाई साहब। और बार बार हो रहा है तो इसमें विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। थैंक यू मिस्टर CA फॉर द डोनेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आइए भाई साहब अस्पताल में, नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन पड़ी है, उसमें हमारी क्वालिफिकेशन दी गई है। हमारी क्वालिफिकेशन है कि हम पढ़ते रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम ले लो हमारा आके। सर रिसेंटली आई चेक शुगर, इट वॉज, मेरा वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पढ़ लो जाके। इट वॉज 29289 आफ्टर फूड स्टार्टेड आफ्टर वॉकिंग, क्या लिखा है, शुगर वॉज 289, ओके, स्टार्टेड वॉकिंग एंड डाइट आफ्टर 15 डेज 230, शुड आई विजिट डॉक्टर? यस यू शुड विजिट अ डॉक्टर, यू शुड, आफ्टर शुगर नहीं, खाली पेट शुगर चेक करो, खाली पेट शुगर और HbA1c टेस्ट कराओ और वो टेस्ट करा के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन को जाके दिखाओ। प्रोटीन किससे लें? अच्छा प्रोटीन कहाँ से खरीदे, सॉरी वो मैं नहीं बता पाऊंगा, ना तो मैं जानता हूँ कौन ऑथेंटिक है, ना ही मैं किसी की गारंटी ले सकता हूँ। राइट, विच इज बेटर होम्योपैथी और एलोपैथी? विच इज बेटर होम्योपैथी और एलोपैथी, ये क्या सवाल हुआ? देखिए ये होम्योपैथी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसको कई जगह पे प्रूव किया गया है कि वो उसमें प्लासिबो इफेक्ट ज़्यादा है, उसे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं लगता यार। ओके हाँ सर, जाटों में घी के बिना नहीं हो पाएगा, भैया जिसको आदत है वो खा सकता है क्योंकि शरीर अडेप्ट कर लेता है, शरीर अडेप्ट कर लेता है। अगर आपको आदत है ज़्यादा घी खाने की आप खाते रहो, लेकिन अगर आप मोटे हो पतले होने के लिए घी बंद करना पड़ेगा भैया, वो हाई एनर्जी फूड है। अगर बॉडी में चेंज चाहिए तो चेंज खुद को भी तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ चेंज चाहिए सोचने से चेंज नहीं होगा, या गोली खा लेने से चेंज नहीं होगा, या पट्टे बांध लेने से चेंज नहीं होगा, स्लिम सोमा बेड है, उल्लू बनना है तो ऐसे बहुत सारे चैनल है इंटरनेट टीवी पे, और पैसे बर्बाद करने हैं तो भी वहाँ बहुत सारे चैनल है। चलो एनीवेज काफ़ी सवाल हो गए हैं, अब हम चलते हैं नीचे और सवालों के जवाब पूछते हैं आपके, मोटापे के। चलो बताइए, कैन वी ईट एग योग? मैं बता चुका हूँ एग योग के बारे में, पहले वीडियो में पढ़ लीजिए। कैन वी ड्रिंक वार्म वाटर इन समर? वार्म वाटर इन समर प्लीज डिस्कस। जी वार्म वाटर पी लेने का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है समर में, लेकिन समर के अंदर आपको थोड़ा सा नॉर्मल से कोल्ड वाटर पीना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ठंडा पानी पीना है एक्सरसाइज के दौरान, वार्म वाटर नहीं पीना है। हाँ सुबह सुबह आपको आदत है वार्म वाटर पीने की, आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठंडा का मतलब चिल्ड नहीं होता, ओके, कोल्ड और चिल्ड में फर्क होता है, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड यानी 10 से 15 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए पानी का। टेम्परेचर गिन लो, और बोलो। कीटो डाइट कर सकते हैं क्या? नहीं, कायदे से समर में कीटो डाइट नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम ज्यादा होगी। कायदे से कीटो डाइट वाला मेरा वीडियो देखो,
फैट लॉस इन समर में ग्लूकोज ले सकते हैं क्या? ग्लूकोज लोगे तो फैट लॉस कहां से होगा? अगर ग्लूकोज लोगे तो फैट लॉस क्या होगा? आपको शरीर में जो आपको कम करना है, फैट इस्तेमाल करना है, तो फैट इस्तेमाल तो तभी होगा जब शरीर में ग्लूकोज नहीं होगा। तो ग्लूकोज लोगे तो फैट लॉस क्यों होगा? आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है भाई साहब। उसके लिए आप फैट लॉस वाले हमारे वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस है, नीचे तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है। सर किडनी स्टोन्स का कोई इलाज बताएं? पूरा गार्गी जी पूरा सीरीज है किडनी स्टोन का, नीचे किडनी स्टोन नीचे जाके देखिए, सीरीज में दिया हुआ है। ऑलराइट क्या लिखा है? और गले में इरिटेशन होती है, किसी एलर्जी है क्या? ये आपको गले के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अंदर से देखना होगा, सूजन है वहां पर, लाल है, क्या इरिटेशन है? कई बार वहां पर टॉन्सिल्स में, एडिनॉइड्स में सूजन होती है, उसके वजह से इरिटेशन है, तो मुझे क्या पता क्या है। हो सकता है एलर्जी, हो सकता है ना हो, यहां से ऐसे नहीं बता सकते पेशेंट देखे बगैर, हिसाब किताब देखे बगैर, है ना। हो सकता है। अगर आप वैसी ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, कफ कोल्ड वाला मेरा वीडियो देखो, उसमें बताई गई बातें फॉलो करो। अगर ये सिंपल एलर्जी होगा तो उसमें फायदा मिलेगा। समर में फैट लॉस के लिए आपको, अगेन समर में फैट लॉस के लिए दो तीन बातों का ध्यान रखना है। जूसेस नहीं पीने हैं, फ्रूट मतलब आप जूसेस पिएंगे तो उसमें शक्कर नहीं डालनी है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। विदाउट शुगर जूसेस, बाहर से बहुत लोग हैं जो सीधा उधर जाते हैं जूस के स्टॉल, जूस की दुकान पे, और जाके भाई एक ये जूस दे दे, एक वो जूस दे दे, और प्रॉब्लम क्या होती है कि आजकल फ्रूट्स हो गए हैं या वेजिटेबल जूस हो गए, वो उतने मीठे नहीं होते, तो लोग वहाँ पे क्या करके रखते हैं, वो लोग शुगर सिरप बना के रखते हैं और वो शुगर डालते हैं। तो आपको सिर्फ उनको इतना बोलना, बेटा शक्कर मत डालियो, ठीक है। गन्ने का जूस कम पिए, अगर आप बहुत देर तक धूप में मेहनत कर रहे हो तब पी सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस समय ग्लूकोज बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है, उस समय पी सकते हो गन्ने का जूस नमक डाल के, ठीक है, वरना नहीं। और फैट लॉस नहीं होगा भैया अगर बहुत पियोगे तो। ये बेसिक चीज़ दो चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी फैट लॉस की पूरी सीरीज है हमारी, वो देखिए आप जाके। और अभी मैं पेट सवालों पे भी आऊंगा, जिसको पेट सवाल में जिसने डालना है वो डाल दीजिए। CLA फैट लॉस के लिए कैसा है, यूज़ करना सही है और नहीं? बिल्कुल भी नहीं। CLA, थायराइड मेडिकेशंस, डायूरेटिक्स या ऐसी कोई भी फैट बर्नर गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और गर्मी में तो कतई भी नहीं। आप गर्मी में अगर फैट बर्नर या ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म और बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी और डिहाइड्रेट होगी और प्रॉब्लम आएगी। ये इसका कोई सलूशन ये नहीं है कि हाँ मैं और पानी पी लूँगा, मैं खाली जाऊँ, मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ भी करते लोग, ओके। सर मुझे स्किन प्रॉब्लम है, आपका नंबर है ज़रूरी है यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब नंबर दिए जाते हैं, आप थोड़ा सा ना वो नहीं करते हो, मैं ना थोड़ा सा रिसर्च नहीं करते हो, और सारे स्किन प्रॉब्लम के वीडियो बना रखे हैं, देखते नहीं हो, ओके। देन कमिंग ऑन टू, सर आई ईट जंक फूड एवरी डे लिविंग माई होम फूड विच इज टू ऑयली फूड एंड वेरी जंक लाइक रोल, सबवे, चाट एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना भैया, सबवे चाट है जो लोग इतने सारे सबवे में सलाद डालते हैं, सबवे में डालते हैं ना, सबवे में सैलड बनाते हो, उसमें सैलड में इतने सारे ऑयल्स, मेयोनीज, वेयोनीज इतने मत डलवाओ, एक खादा डलवा लो और खा लो, ठीक है। और जंक रोल्स की जगह, ये रोल्स है, बर्गर है, टिक्की की जगह आप बाहर से अच्छी चीज़ें मंगाओ। अगर आप नॉन वेज हो तो तंदूरी खा सकते हो, तंदूरी में बटर मत लगवाओ, देखो समझ लो, तो चिकन खाना है तो ये खा लो, पनीर खाना है तो पनीर टिक्का खा लो, अगर वैसे खाना है तो कई आजकल हेल्दी स्नैक जॉइंट्स भी आ गए हैं जो बॉडी बिल्डर्स को, जिम लोडर्स ये वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं तो पनीर खा लो, सलाद खा लो, फ्रूट खा लो, पतले होना है तो डाइट कर लो, ये सब चीज़ों में बीच में वो खा लो, राइट। सो बहुत आसान तरीके हैं भाई साहब, ये कोई सवाल नहीं, ये कोई बात नहीं हुई कि सर मैं ना बहुत बिगड़ा हुआ हूँ, मेरे से नहीं हो पाता, राइट, नहीं हो पाता तो नहीं हो गए पतले। अगर आप नहीं बदलना चाहते हो आपका शरीर भी नहीं बदलेगा, कोई जादू थोड़ी है कि नहीं बदलना, चलो एक काम करते हो, कोई बात नहीं, आपको झूठ है, आपको चुटकी बजा के पतला कर देते, ऐसा नहीं होता। समर में सर एक दिन में EPA 600 और DHA 400 सेफ लिमिट है क्या, और इससे HDL इंक्रीज होता है क्या? अच्छा देखो, EPA और DHA की जो लिमिट है 200 से 500 तक है, 200 से 500 तक आप EPA ले सकते हो, DHA और कम चाहिए होता है, EPA का भी एक सेफ लिमिट को याद नहीं आ रहा, लेकिन कम है, सेफ लिमिट नहीं है बल्कि ये नॉर्मल लिमिट है, सेफ लिमिट है 5000 mg तक ले, 5000 mg तक ले सकते हो, और इससे कोई खास मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जी नहीं, इससे HDL इंक्रीज नहीं होता, HDL इंक्रीज होगा एक्सरसाइज से, HDL आर गुड कोलेस्ट्रॉल विच इंक्रीजेज बाय रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से HDL इंक्रीज होगा, इनसे
बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे एलडीएल वो सब कम होंगे, प्लाक व्लाक कम बनेंगे। ऐसा है ओमेगा 3 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। रिसर्च बताती है कि ओमेगा 3 खा लेने से ऐसा नहीं होगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा या हार्ट के अंदर ब्लॉकेज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा ब्लॉकेज, लेकिन जो ओमेगा 3 खाते हैं, जो ओमेगा 3 का रेशियो सही रखते हैं, देखा गया है बाय रिसर्च कि वो लोगों में हार्ट अटैक से मौतें कम होती हैं, डेथ नहीं होती। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि वो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, तो मतलब बॉडी में नेचुरल बाईपास बनने में मदद करते होंगे या कोई ऐसा प्रोसीजर होगा, कोई ऐसा मेथड होगा, बात समझे ना। तो ये पॉसिबिलिटी है, तो कई चीजें देखी गई है, कई नहीं। कीटोजेनिक डाइट के बारे में मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, कीटो डाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करें, वीडियो मिल जाएगा। सर सिर बहुत पतला है कमजोर, शरीर बहुत पतला है, शरीर बहुत पतला है कमजोर है, क्या करूं? देखिए पतला है कमजोर है तो ठंड का मौसम का इंतजार करिए, क्योंकि आप मोटे ठंड में हो पाओगे, गर्मी में तो ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, गर्मी में और पतले ना हो जाओ, इसका ध्यान रखना है। मोटे होने का टारगेट ठंड में रखिएगा, पतले मोर ना हो जाओ गर्मी में, इसके लिए आपको वो चीजें खानी है जो हमने मना करी अभी तक, यानी कि जूसेस में शक्कर डाल के मीठे जूसेस, मीठे वो एक दो चार चम्मच घी, और बीच बीच में खानी है, हर 4-6 घंटे में खाना खाइए, और थोड़ा सा कार्ब डाल के, थोड़ा सा घी या ऑयली फूड डाल के, प्रोटीन रिच फूड भी खाना होगा, कैलरीज ज़्यादा खानी है बेसिकली, ठीक है, और पानी भी पीना पड़ेगा, कैलरीज ज़्यादा एनर्जी बन रही है तो पानी भी पीना है। हाउ मच शुड एन एक्टिव रनर रन डेली? इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कोई टेक्निकल टर्म है कि भाई इतना ही दौड़ना चाहिए, एक्टिव रनर को उतना दौड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपका शरीर है अडेप्ट कर जाता है, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर 2 राउंड मारते हो, 4 राउंड मारते हो किसी भी बड़े से बड़े ग्राउंड का, छोटे से छोटे पार्क का, तो आपका शरीर 2-4 हफ्तों में या 6-8 हफ्तों में अडेप्ट कर जाएगा, उतना करने में उसको और कोई चेंज नहीं आएगा। फिर यू हैव टू चेंज, आइदर यू चेंज योर स्पीड, आइदर यू चेंज योर लेंथ टाइम, और यू चेंज योर एक्सरसाइज, समझे, बॉडी नीड्स चेंज, समझे कि नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव है, परिवर्तन ही सबसे बड़ा सच है दुनिया का, परिवर्तन नहीं लाओगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। सर एक दिन में तो बता दिया, कीटो हो गया। सर पैर में सूजन के लिए क्या करें? पैर में सूजन का मेरा वीडियो है, लेग स्वेलिंग बाय डॉक्टर एजुकेशन, वो वीडियो देखिए। ऑल राइट, अलसी इन समर, यस अलसी ले सकते हैं, यस ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, उनमें क्या है, उनमें यही ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ALA है, तो यस उसकी भी एक लिमिट होती है, 2 चम्मच 4 चम्मच बस। अब ऐसी थोड़ी कि एक क्या किलो अलसी खाऊंगा मैं, ड्राई फ्रूट एक मुट्ठी ले सकते हैं, सेफ लिमिट है, एक मुट्ठी डाय, जितने ड्राई फ्रूट आ गए जो भी मिल जाए खा लो, कोई दिक्कत नहीं, अखरोट खाना है, बादाम खाना है, काजू खाना है, किशमिश खानी है, जो मर्जी ड्राई फ्रूट, एक मुट्ठी आपकी मुट्ठी में जो आ जाए उतने दिन भर में खा सकते हो भाई, सेफ लिमिट, कई बार 2 भी खा सकते हो अगर आपके शरीर को आदत है तो। ये ऑल इज ये आदत की बात है, शरीर अडेप्ट कर जाता है, अगर आप वही एक मुट्ठी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो वो भी खा सकते हैं, है कि नहीं। रिकमेंडेशन क्या बनाई जाती है कि सेफ लिमिट ऊपर भी हो, सेफ लिमिट नीचे भी हो, क्योंकि बड़े खतरनाक लोग हैं दुनिया में, अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए रिकमेंडेशन सेफ लिमिट में बनाई जाती है। हीमोग्लोबिन 17 है, गुड और नॉट? जी 17 हीमोग्लोबिन है तो आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, और धूल मिट्टी या सिगरेट बीड़ी तंबाकू से दूर रहना है। अब रहोगे कि नहीं रहोगे तो आपकी मर्जी है। थैंक यू शिवे जी। अब ऊपर वाले ने कहा ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैं लगा इसको क्या हो गया भाई, हम तो नहीं मानते हमारा चेहरा खराब है चाहे कोई कुछ भी कहे। बेस्ट डॉक्टर, थैंक यू जी, थैंक यू वाराणसी जी। मल्टीविटामिन इज गुड और डेली बेसिस? इट्स गुड बट इट्स नॉट नीडेड, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी अ मिरेकल, ठीक है। इफ यू थिंक कि मेरे से खाना नहीं खाया जाता है, शायद मेरी न्यूट्रिशनल कमी है, तो अल्टरनेट डे हफ्ते में 1-2 बार कोई भी मल्टीविटामिन का कॉम्बिनेशन ले लो, बट दैट डज नॉट मीन कि वो कोई चमत्कार करेगा, ये मत सोचो, राइट? और ये मत सोचो कि सबसे महंगी मल्टीविटामिन लूंगा तो ही काम होगा, बिल्कुल भी नहीं, सबसे सस्ती वाली लो, सिंपल वाली, ठीक है। और ऑब्वियसली तुमको थोड़ा सा असर देखना पड़ेगा, नहीं असर, और जैसे बीकासूल सुना है ना, दुनिया भर में सब देखते हैं बीकासूल भी काम करती है, बढ़िया काम करती है, ठीक है। फ्रूट्स इमीडिएटली आफ्टर लंच और डिनर इज ओके? देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फ्रूट्स इमीडिएटली आफ्टर लेते हैं तो फ्रूट में भी 20% शुगर हो सकती है मैक्सिमम, एक केले में, आम में, कुछ फ्रूट है जिनमें 5% शुगर है, जो ज़्यादा मीठे नहीं है, जो ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं उनको एज अ स्वीट, एज अ डिनर के बाद या खाने के बाद स्वीट डिश भी आप खा सकते हो फ्रूट की, उसमें कोई दो राय नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो फिर वो एक्स्ट्रा शुगर को 2-4 घंटे रुक के खाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, ये बहुत सिंपल है,
मतलब एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो दोस्तों 30 मिनट होने लगे, बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर कर लेना, और कल के लिए सजेशन देख लेंगे, बाद में बात करते हैं, ओके बाय, सी यू। और सॉरी मैं समझ रहा हूँ कई लोग वेट कर रहे होंगे कब आएंगे, उसके चक्कर में दिक्कत हो जाती है, मैं ऐसा करा करूंगा, मैं कम्युनिटी सेक्शन में लाइव बता दिया करूंगा कितने बजे आऊंगा, ठीक है। और धूप भाई साहब, पानी पीते रहो, डिहाइड्रेशन देखते रहो, और जो एथलीट है जो एक्सरसाइज करते हैं उनको मैंने हाइड्रेशन स्टेटस कैसे चेक करना है अभी वीडियो डाला है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल में, वो इसीलिए हमने अलग बनाया क्योंकि इतने सारे लोग हैं फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, सर नहीं मेरे को फिटनेस का ही बताना, हर वीडियो फिटनेस का चाहिए, फिटनेस फिटनेस फिटनेस, तो फिटनेस न्यूट्रिशन अलग।